जी जाहिर सी बात है, खराब बैटिंग पे डांट पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि मुझसे अच्छा मेरे बारे में मेरे वालिद साहब ही सोच सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेरे वालिद हैं। और काफ़ी डांट तो पड़ती है, यू नो कि एक क्रिकेटर है और एक कोच का काम भी है कि अपने प्लेयर को सपोर्ट करे और समझाए। सो आई गेस उनकी सपोर्ट यही है कि वो डांटते हैं क्योंकि उनको काफ़ी उम्मीद है मुझसे, और अगर मैं उस उम्मीद पे नहीं उतरूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन यही बात है कि कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा मायूस ना करूँ उन्हें और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर करता जाऊँ। आई थिंक फिटनेस बेहतर करने के लिए काफ़ी काम कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट है तो उस मैार पे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लास्ट काफ़ी मैंने इंटरव्यूज में बताया कि मैं आई वॉज ओवर 140 kgs और नाउ आई एम अराउंड 108 kgs, तो आई थिंक 32 kgs का डिफरेंस है। तो कोशिश है कि थोड़ा और डिफरेंस आए और फिटनेस में निखार आए तो काफ़ी मज़ा आएगा और ख़ुद भी बेहतर फील करूँगा, और आई नो कि जब लोग देखेंगे तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ, एक लड़का जब मेहनत कर रहा है तो उसको ही मस्ट बी डिजर्विंग टू गेट अ साइड इन द टीम, राइट। तो कोशिश यही है कि मैं इस पर पूरा उतरूँ, और वही बात है कि पाकिस्तान को सर्व करने के लिए यू नो फिटनेस बेहतर होनी चाहिए। जी अबू से ज़्यादातर बात जो है वो क्रिकेट के लाइक टेक्निक वाइज पे नहीं होती, लेकिन टैक्टिक वाइज होती है। टैक्टिक्स क्या होती हैं गेम की, आपको किस तरह गेम लेके चलना होता है। सो आई गेस काफ़ी एक अच्छी सपोर्ट है उनकी, और काफ़ी मज़ा आता है उनसे क्रिकेट के ऊपर बात करने का, और पुराने मैचेस देख के हम लोग सारी टैक्टिक्स देखते हैं कि क्या करना चाहिए, प्लेयर को किस तरह कहाँ डिलीवर कर सकता है वो अपनी टीम के लिए। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस है, और उनका एक्सपीरियंस जब साथ हो, क्योंकि वो माशाल्लाह से इतने साल से क्रिकेट खेले हुए हैं, तो आई थिंक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं हो सकती लाइफ में। G10 का काफ़ी अच्छा तजुर्बा था और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी फास्ट क्रिकेट है, और कोशिश यही रहती है कि जो भी क्रिकेट खेलें उसमें परफॉर्म करें। तो T10 एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें यू नो आपको बहुत क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो काफ़ी मज़ा आया, और आपको हर बॉल पे हिट मारनी पड़ती है क्योंकि इसमें जितनी आप डॉट बॉल्स खेलते हैं और तो टीम का स्कोर उतना ही कम होता है। तो यही है, और काफ़ी मज़ा आया और बहुत ही एक अच्छा फॉर्मेट लगा मुझे। जी आई गेस फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि जिस तरह अगर आप फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, जैसे मैं T20 फॉर्मेट ज़्यादा खेलता हूँ, फर्स्ट क्लास मेरा डेब्यू हो चुका है माशाल्लाह से, लेकिन फर्स्ट क्लास का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कोशिश ये होगी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलूं। और फिटनेस, जैसे कि आपको पता है, अगर आप तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं तो आपकी फिटनेस होना काफ़ी ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से काफ़ी काम चल रहा है उस पर, और काफ़ी पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह जो भी फिटनेस के मैं आ रहे हैं उस पर पूरा उतरूँ और पाकिस्तान को सर्व करूँ।